मैं मारूंगा, तू मर जाएगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाएगा। Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Ritesh Deshmukh and Siddharth Malhotra Mar Jawan film aaj theater mein lagi hai. Pehle din ka box office collection prediction and occupancy episode. Chaliye shuru karte hain. Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, aaj ke episode mein hum baat karne wale hain Mar Jawan film directed by Milab Zaveri ke first day ke box office collection prediction, uske screen count, All India City Wise Occupancy Reports and पहले दिन फिल्म कितना कमाएगी despite the negative reviews, audiences क्या इस फिल्म को पसंद कर रही है नहीं कर रही, कल से इस फिल्म का फेथ क्या होगा, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बात करें स्क्रीन काउंट की तो मर जावा हैज एन हेल्दी स्क्रीन काउंट 2275 ये स्क्रीन काउंट मेरे पास आया है, यानी कि 2275 इसका स्क्रीन काउंट है। एंड गाइस बात करें ऑक्यूपेंसी की तो मॉर्निंग फिल्म ठीक ठाक खुली, मास थिएटर्स में जिस तरह से परफॉर्म करना था उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया, 15-18% थी, लेकिन आफ्टरनून के बाद तो मास थिएटर्स थे सेंटर्स लाइक बिहार इन मुंबई एज वेल एज इन अहमदाबाद एंड सूरत, दिस फिल्म टुक अप लाइक अ रॉकेट। इवन इन ओडिशा द ऑक्यूपेंसी जम्प्ड इन द इवनिंग शोज फ्रॉम 28-32%, यानी कि जो यू नो सेंटर्स है जहां पर सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस प्रिडोमिनेंटली रूल करती है डोमिनेट करती है वहां पर यह फिल्म अच्छा बिजनेस करने वाली है। एंड वीकेंड में ये फिल्म अपने कलेक्शन से बात करेगी। एंड गाइस बात करें रात के शोज की तो नाइट शोज आ रहा है 38-42%, यानी कि काफी हेल्दी ग्रोथ देखने के लिए मिला है। वेल फ्रेंड्स अब बात करेंगे सिटी वाइज डेटा की तो दिल्ली एनसीआर हैज 556 शोज विच इज अ वेरी सॉलिड अमाउंट, इसमें 30% की ऑक्यूपेंसी है। नॉर्थ इंडिया में ये फिल्म आराम से अच्छा बिजनेस करेगी, स्पेशली सर्किट्स लाइक बिहार ओडिशा, मैंने आपको मेरे रिव्यू में कहा था मास सेंटर्स फ्रंट बेंचर्स यू नो विस्लिंग क्राउड, जो लोग प्यार में हारे हुए हैं वो जो कनेक्ट कर लेंगे ऑडियंस इस फिल्म से तब उनके लिए फिल्म सेट है। हाँ 550 की सिनी डिनर की टिकट लेके इन सिग्निया की 500-400 की टिकट लेके या फिर 250-300 के पीवीआर में बैठकर दैट ऑडियंस वोंट एंजॉय द फिल्म, यानी कि द क्लास ऑडियंस वोंट एट ऑल फाइंड अप्रिसिएशन फिल्म वोंट फाइंड अप्रिसिएशन इन द क्लास ऑडियंसिस। बात करें मुंबई की, मुंबई में 490 शोज में से ऑक्यूपेंसी 23%, पुणे 190 शोज हेल्दी शो काउंट 15%, बेंगलुरु इज 145 शोज एंड ऑक्यूपेंसी 23%, हैदराबाद 170 शोज में ऑक्यूपेंसी 26%, कोलकाता 195 शोज में 18% ऑक्यूपेंसी, सूरत 134 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी तो काफी अच्छी बात है। चेन्नई में सिर्फ और सिर्फ 19 शोज मिले हैं, वह बहुत बड़ी फिल्म मिली हुई है विशाल की, चेन्नई में है 34% ऑक्यूपेंसी, लखनऊ 90 शोज 30% ऑक्यूपेंसी एंड अहमदाबाद की बात करें तो 224 शोज में 19% की ऑक्यूपेंसी है। इसी के बाद मरजावा अपने पहले दिन 6.75 करोड़ से 7.75 75 करोड़ से 7.75 करोड़ के बीच में कमाएगी अपने पहले दिन पे। अब सब डिपेंड करता है रात के जो शोज है, स्पेशली 10:50, 11:15 के बहुत सारे शोज ऐड किए गए हैं, अगर ये एक सरप्राइज स्प्रिंग इन करे तो गाइस वी कैन हैव अ गुड कलेक्शन। ऑब्वियसली ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है, यानी कि सिंगल स्क्रीन से कलेक्शन इसका चिक्कर आने वाला है, इसलिए गाइज हम कुछ सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्स जैसे कि पीवीआर आईनॉक्स सिनेपोलिस इन सब के एस्टिमेट्स लेके ऑल इंडिया का जो फाइनल फिगर है वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये एक सिंगल स्क्रीन फिल्म है। तो लेट्स सी गाइज कल अपना आंकड़ा कितना फिट बैठता है कितना नहीं, ये तो कल जब ऑफिशियल फिगर आएगा तभी पता चलेगा। तब तक क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपको मास फिल्म चाहिए मारधार चाहिए सर घर पर रख के जाना है प्यार में हारते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखना है तब जाके मर जाऊंगा देख सकते हो। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान।